नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज 7 अप्रैल सन 2021 आपके अपने शो मार्केट एट 3 PM में। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, कल के शो में हमने आपसे चर्चा की थी पावर ग्रिड, वेदांता, NTPC और हिंदुस्तान कॉपर के बारे में, और ये सभी स्टॉक अच्छी तेज़ी के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमने आपसे निफ्टी के बारे में भी चर्चा की थी। पिछले कई शोज से हम लगातार आपको कह रहे हैं कि ये गिरावट खरीदारी का मौका है, इस गिरावट में खरीदारी का मौका है और इस गिरावट से आप डरे नहीं, और ये अच्छा मौका है क्वालिटी स्टॉक्स पिक करने का, और निफ्टी में जल्द ही रिकवरी देखने को मिलेगी, और आज वैसा ही देखने को मिल रहा है। अब मैं आपसे चर्चा करूँगा कि अब आगे क्या होने की संभावनाएं बन रही है शेयर बाज़ार के अंदर, और आपको किन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, मेरे आकलन के अनुसार शेयर बाज़ार के अंदर रिकवरी जारी रह सकती है, और आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में मजबूती के साथ ट्रेड होने की संभावनाएँ बन रही है। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, और बाज़ार में अभी अप ट्रेंड का माहौल जारी रहने की पूरी संभावनाएँ बन रही है। इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर नज़र डालें तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर UBL यानी कि यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड, जो कि अभी 1126 के लगभग ट्रेड कर रहा है, उसमें भी आप नज़र रख सकते हैं। UBL के अंदर, यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड के अंदर आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के अंदर मजबूती के संकेत बन रहे हैं, आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और आपको हमारी रिकमेंडेशंस एडवांस में प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन।